नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया क्षेत्र से आ रही है, जहां लौरिया प्रखंड के सभागार में हुई मुखिया महासंघ की बैठक। बैठक की अध्यक्षता लौरिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद ठाकुर की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुखिया महासंघ के अध्यक्ष माननीय अफसर इमाम और जिला मुखिया महासंघ के उपाध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप पंजियार, सत्य प्रकाश जिला सचिव मझौलिया, मोहम्मद आजाद, नसीम हिटलर, गीता देवी एवं जिला के सभी प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष और लौरिया प्रखंड के माननीय मुखिया गण भी शामिल रहे। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विकास के कार्यों में संतुलन बनाना, जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं में कटौती करके अपना साथ निश्चय योजना में शामिल ना करे, मजदूरी दर जो बहुत कम है उसको बढ़ाए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा शीघ्र आवंटित करे। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, अभी मैं लौरिया प्रखंड के लौरिया ब्लॉक में मुखिया महासंघ की एक पंचायत हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, उसमें आया हूँ और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। यहाँ गाहे बगाहे मुखिया जी लोगों के साथ भी समस्याएं होती रहती हैं, हर मुखिया के साथ अपना अपना प्रॉब्लम है। और अभी एक मुखिया जी कह रहे थे शुरू शुरू में, जो थोड़ा सा मैं क्रॉस भी करूँगा, कि छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग आ जाते हैं। तो मैं वहाँ ये कहना चाहूँगा कि लोग आपको इस लायक समझते हैं कि आप जाएं। हो सकता है कि आप उकता जाते हैं एक ही चीज़ बार बार सुनने, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि सुने, कोई आपको उस लायक समझ रहा है तब आपके पास आता है। दूसरी बात, मैं वेब इंडिया न्यूज़ के टीम के साथ भ्रमण करता हूँ और कहीं कहीं ऐसे मुखिया जी लोग हैं, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओन वर्ड्स। चमुआ के मुखिया जी से मैं मिला, उनका कुछ पंचायत भवन की ज़मीन के लिए वो केस लड़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से वो NOC नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप भी लोग कोशिश करें। अभी मुसारवा पंचायत में था, वहाँ 3 साल से मुखिया जी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, वायर के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला था। देन एंड देयर आई टॉक टू एग्जीक्यूटिव एंड SDO नरकटिया गई। तो इस तरह की समस्याएं जिनके साथ हों, जो लोग बड़े लिखे लोग हैं वो लोग तो सब कुछ कर लें, और ये टीम वर्क का यही होता है कि जो कमज़ोर हैं उनको सपोर्ट करें। दैट्स द एम ऑफ आवर मीटिंग। अब बात करते हैं मुखिया जी से। सर, सबसे पहले आप इस टॉपिक पे बात कर लें कि पहली बात आई थी कि आपको इसलिए जनता ने बनाया है कि आप उनकी समस्याओं को सुने, उसका समाधान करें। आप उकता जाते हैं या आपके मुखिया जी लोग उकता जाते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट सुटेबल। आप क्या बोलेंगे? मुखिया कभी उकताता नहीं है, मुखिया तो गार्जियन होते हैं पंचायत का, जो देखते हैं हमारे मुखिया को, जो वोट देता है न भी देता है, मुखिया के दरवाजे पे जो जाते हैं या मुखिया के पंचायत भवन में जो आते हैं सबका सुनता है, क्योंकि नियम और सिद्धांत से रूप योजना है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अपने मतदाता ही को मुखिया सुनता है, मुखिया जनरल होता है, जनरल सुनता है, सबका मुखिया है, सबका मुखिया है। मुखिया को लोगों ने पूर्व से लाइट में लिया है, बहुत हौला रूप में लिया है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि मुखिया वो चीज़ होता है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, बिहार सरकार की योजना हो, चाहे जो भी पॉलिसी हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, मुखिया अगर नहीं चाहेगा तो ये जमीन पे उतर नहीं सकता है, और कोई भी योजना केंद्र और बिहार की अगर जमीन पे नहीं उतरेगा तो उसकी सरकार भी फेल हो जाएगी। इसलिए मुखिया की मान सम्मान योजना और स्वायत्तता और स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंट रखना ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि मुखिया इस मामले में सक्षम स्वतंत्र है। दूसरा क्वेश्चन ये है, साच को आँच नहीं, अभी बहुत सारे ओके ठीक है, चलिए आज का टॉपिक के बात कर लें। आज का टॉपिक मुख्य रूप से 2-3 चीज अहम था कि पूर्व में सरकार ने चलाया था कि साफ निश्चय योजना, जो सामने है कि पूर्व की बात तो मैं नहीं करूंगा, फेल हुआ या पास हुआ आप सभी देख रहे हैं, लेकिन फिर उसको जीवित करने के लिए ये नए मुखिया लोगों के माध्यम से सहयोग से Part 2 करके कुछ योजना चलाना चाहती है सरकार। जैसे उसी में एक लाइट का प्रॉब्लम है, तो ये केंद्र सरकार का 15वीं वित्त आयोग का पैसा है और मुखिया जी उसके मालिक होते हैं,
चाहे खस्टम हो या पंद्रहवीं हो, अगर सरकार लाइटिंग का नहीं पेरिस भी बनाना चाहती है और योजना चलाती है, तो योजना के साथ साथ जैसे पूर्व में अलग से फंड का इंतजाम हुआ, इस बार भी बिहार सरकार अलग से पैसे का इंतजाम करे और तब उस योजना को लागू करे। चूंकि उनका कॉन्ट्रेक्टर है, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट पर दिए हुए हैं, तो पैसा भी तो उनको देना है। हमारा पैसा और इस तरह से वो ले लेंगे तो 5 साल में आप जोड़िए कि कितना पैसा होगा। तो फिर नल जल जो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हुकूक है जनता का, तो उस चीज को हम लोग कैसे कर पाएंगे? स्कूल, कॉलेज, सफाई, घर द्वार, पानी, बिजली व्यवस्था, जो भी एक इस डेमोक्रेसी के सिस्टम में जो भी बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट है, उस पैसे के आप कटौती करते हैं तो सही तरह से मुखिया उस चीज को लागू नहीं करेगा। इसलिए आज की मीटिंग से बिहार सरकार को चैलेंज भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि ये केंद्र का पैसा है, आपको जो भी लाइट का व्यवस्था करना है, जो भी स्वास्थ्य का व्यवस्था करना है, आप पैसे का भी व्यवस्था करें, वरना आप तो एक एक प्रतिनिधि को, MLA प्रतिनिधि को 3 करोड़ 5 करोड़ देते हैं। आपकी हिम्मत सरकार को नहीं है तो उसका पैसे को उसमें से आप कटौती कर लें। लेकिन मुखिया का जो केंद्र सरकार देती है, मुखिया का जो बजट है, उस बजट से आप काट रहे हैं, ये कहीं का न्याय नहीं है, जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि मुखिया हर पार्टी का होता है, मुखिया व्यक्तिगत किसी का नहीं होता है, मुखिया गार्जियन होता है और जो भी बड़े सम्मान के साथ लोग मुखिया की आदर करते हैं और मुखिया जी भी मुखिया जी कहते हैं। क्योंकि सरकार को भी उसमें साथ देना है, जनता को भी देना है, पढ़े लिखे लोग समझते हैं इस पावर को, इसलिए कि हम किसी भी हालत में इस पैसा को हम कटने नहीं देंगे। अगर सरकार को लाइट का व्यवस्था करना है तो अलग से फंड का इंतजाम करें। गृह विभाग का संकल्प है और बिहार सरकार ने हमेशा ये आवाज उठाई है कि जो भी मुखिया अगर चाहता है अपना लाइसेंस लेना, क्योंकि उससे सुरक्षा का सवाल है। आए दिन मुखिया मारे जा रहे हैं, आए दिन मुखिया पति मारे जा रहे हैं, आए दिन मुखिया पुत्र मारे जा रहे हैं, तो कम से कम उसको कम से कम एक लाइसेंस दिया जाए। इस पर भी बहस करनी थी, मुखिया की स्वच्छता और स्वतंत्रता पर भी बातचीत, उस पर भी हम लोग बैठे हैं और हमारा संगठन कैसे मजबूत होगा इस पर भी बैठे हैं। मनरेगा में कुछ कमी रह गई है, गड़बड़ी रह गई है, ये कहाँ का न्याय है? पत्रकार बंधु डेमोक्रेसी के चौथा पाठ आप लोग होते हैं। हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में 210 में कहीं मजदूर नहीं मिलेगा, 210 में 350-400 में मजदूर मिलता है। मुखिया अपने पास से लेबर को पेमेंट कर रहा है, कोई भी लेबर 3 दिन नहीं मांगता है, अपना पास से पेमेंट करता है 350-400 रुपया और उसको 6 महीना 1 साल के बाद 210 रुपया लेबर के माध्यम से आप। कैसी न्याय है, कैसी व्यवस्था है, कैसी सिस्टम है? इसलिए इसको इक्वल किया जाए, ग्रोबी लाया जाए। इस तरह से पंचायत के मन पंचायत में जिस तरह से लेबरों को मिलता है, उस तरह से मनरेगा में और अभी हमारे दीक्षित जी ने कहा, उस दिन भी बोले थे कि कोई भी योजना चलान बनाने में 2 से 3 महीना 1.5 महीना लगता है। तो जब योजना शुरू होता है, इनका इंजीनियर आता है, जांच करता है, इनका वीडियो है, ग्राम सेवक है, आए दिन पदाधिकारी आते हैं, लेकिन सप्ताह में दो दिन भेज देते हैं, योजना भी पूरा नहीं हुआ। अब हमारा मुखिया उन्हीं की आवभगत में लगा रहता है, तो कहाँ से योजना पूरा होगा? और एक ही काम नहीं है, तो चूंकि ये जांच जो है, एक बार जांच अच्छी की जाए, लेकिन योजना समाप्त हो जाए, उसके बाद में मुख्यमंत्री चाहे गृह सचिव जो भी चाहे DL अपना जाँच कर सकते हैं। लेकिन हर सप्ताह वही काम नहीं है, इसमें भी था, निजी व्यवस्था भी थी, मान सम्मान पर भी था। आज देखिए, एक टीचर अंदर रहता है, उसको 40,000 रुपया सैलरी मिलता है, मुखिया उसका मालिक है और मुखिया को भी मान ले 2500 रुपया मिलता है, आज तक वो भी किसी के खाते में नहीं मिला। इसलिए मुखिया को भी देखना है ये सरकार का फर्ज है। इसी सब समस्या से लेकर आपके एकता के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए, और कोई मुखिया हमारा मायूस न हो, और इसी मुखिया पर आफत आती है तो एक मुखिया पर नहीं आया, वो सारे मुखिया पर आफत आया। मुखिया एक बिरादरी का होता है, एक जाति का होता है, हर सरकार का होता है। इसी मान सम्मान, इसी भाई को पढ़ने के लिए स्थानीय अध्यक्ष हमारे विनोद बाबू ने, पाठक जी वगैरह ने सब मिल के आज ये बैठक को बुलाया है, और जिला से हम लोग के हमारे ट्रेजरर बहादुर और प्रधान के अध्यक्ष
भी है उपेंद्र दीक्षित जी यहाँ मौजूद हो गए, नीतीश राव मौजूद हो गए, ये आपको आजाद साहब मौजूद हो गए, जिला का उपाध्यक्ष है दूर से चल के ये भी आए, गीता है और ये सारे नौजवान मुखिया हमारे मझवलिया से चल के वो देखिए फौलादी ताकत नौजवान वो भी यहाँ हो जाएगा।